हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट 1। चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सब तरह की नंबर्स आ जाती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ओड, रेशनल, इरेशनल, इस तरह की सारी नंबर जिस सिस्टम में आती है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम की कुछ डेफिनेशन आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 क्लास में आपने पढ़ रखा है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो 1 से काउंटिंग होती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से 1, 2, 3 इस तरह से इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3। इंटीजर जिसे हम I या Z से और इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विल इंक्लूड 0। नेगेटिव नंबर होती है, पॉजिटिव नंबर होती है, साथ में 0 भी होता है, तो उसे हम इंटीजर कहते हैं। इसको हम I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आती है मेन डेफिनेशन है अपनी इस चैप्टर की, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है? देखो, ऑल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q। P और Q यहाँ पर इंटीजर होगा, P एंड Q क्या है यहाँ? इंटीजर, और Q की वैल्यू नॉट इक्वल 0। P एंड Q आर इंटीजर्स। रेशनल नंबर उसे बोलेंगे जिसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? हम अपॉन में, बट Q नॉट इक्वल 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखें हम, देखो किस तरह से रेशनल नंबर हो सकती है। 3/4, -1/2, 3/1 या 4, नीचे कुछ भी नहीं लगाएं तब भी क्या माना जाएगा? ये 1। इसके अलावा 0/3, 0, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। 0 भी एक क्या होती है? रेशनल नंबर, बिकॉज इसको हम इसके नीचे कुछ भी लगाकर हम इसको रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा है कि रेशनल नंबर क्या होती है? जो अपॉन में होती है। अगर हम नीचे 0 लगा दें तो ये रेशनल नंबर नहीं होगी, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, इसलिए इसको रेशनल नंबर नहीं मानेंगे। अब आप एक्सरसाइज 1.1 निकालें। इसको नोट करने के बाद एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। एनसीईआरटी बुक ही आपको, एनसीईआरटी बुक वाले क्वेश्चन करेंगे हम, केवल एनसीईआरटी बुक आपके पास कोई सी भी हो, लेकिन आप उसमें वही फोल्डर करेंगे जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज 0 वॉज ए रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 0, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, इज 0 ए रेशनल नंबर। तो अभी हाल मैंने आपको समझाया है कि 0 इज ए रेशनल नंबर, बिकॉज यस 0 इज ए रेशनल नंबर, और इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0/2, 0/-3, 0/5, ये सब क्या है? आपके रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया 0 भी, तो हम लिख सकते हैं 0 इज ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये लिखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सिक्स रेशनल नंबर निकालनी है हमें,
जो 3 और 4 के बीच में हो। किसके बीच में हो? 3 और 4 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। देखो 6 रेशनल नंबर, तो इसका करने का मेथड क्या है देखना आप। हम 6 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7। अब देखो यहाँ पर 3 और 4 दोनों रेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको पहले रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा देंगे हम? 1। अब ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर हमें ये एक मेथड है, हमें दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी रेशनल नंबर आपसे पूछ रही है उसमें कितना ऐड कर देंगे हम? 1। 5 पूछेगा तो 5 और 1 6, 7 पूछेगा तो 7 और 1 8। यहाँ पर 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास? 4 के नीचे भी क्या लगा दिया हमने? 1। और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 7 से। 4 7 जा 21, 7 1 जा 7। 21 और 28 के बीच में कितनी रेशनल नंबर निकालेंगे? 6। कौन कौन सी आएगी देखो, नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 25, 27 और 27। तो 1 2 3 4 5 6, कितनी रेशनल नंबर आएगी हमारे पास? 6 रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे करना है, उसमें आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट है इसलिए डायरेक्टली 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक्सरसाइज का अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? ये भी ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपको बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या होती है? होल नंबर। यस, आपको बताया कि होल नंबर स्टार्ट होती है 0 से और नेचुरल नंबर आती है 1 से, तो सारी नेचुरल नंबर किसके अंदर है? होल नंबर के अंदर, यानी कि नेचुरल नंबर इन इंक्लूड होल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, आप चाहो तो इसका रीजन भी लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो उसको, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आपको बताना है कि क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है? नो। देखो इंटीजर में माइनस और प्लस दोनों आती है, जबकि होल नंबर में ओनली क्या आती है? पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम -3 की बात करें, ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर आ गया नो। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बुक में भी लिखे हुए हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। आपको बताना है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो
ए और ई रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कोई सा भी ले सकते हैं, 3/4 ये रेशनल नंबर है बट इज नॉट होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में अपॉन वाली नंबर नहीं आती। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी, इसको आपको कॉपी में, होमवर्क कॉपी में नोट करना है।